जब हम बॉडी बनाने की बात करते हैं तो उसके लिए हमें अपने शरीर में मसल्स बनानी पड़ती हैं, और ये जो हमारी मसल्स होती हैं ये प्रोटीन से बनी होती हैं, हम अच्छी तरीके से जानते हैं। और इन मसल्स को बनाने के लिए हमें बाहर से अपने खाने में प्रोटीन लेना पड़ता है, जिसके लिए हम कई बार कुछ सप्लीमेंट्स का प्रयोग करते हैं, जैसे कि वे प्रोटीन। इस वे प्रोटीन में लगभग 80 से 90% हमें प्रोटीन मिल जाता है, जो हमारी बॉडी बनाने के काम आता है, मसल्स बनाने के काम आता है। ये डिपेंड इस बात पर करता है कि जो प्रोटीन है वो कौन से ब्रांड का है और कौन से टाइप का है, मतलब कंसंट्रेट है या आइसोलेट। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग बिगनर्स को या फिर सभी को कुछ ऐसे सप्लीमेंट यूज़ करने के लिए बोलते हैं, जैसे कि मास गेनर। इसमें मास गेनर में क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। मास गेनर जो होता है बेसिकली वो कार्बोहाइड्रेट का एक सप्लीमेंट है। इसमें 80 से 90% कार्बोहाइड्रेट होता है और बाकी का बचा हुआ 10-20% प्रोटीन। और जो ये कार्बोहाइड्रेट होता है ये भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है। इसका ज़्यादातर इंग्रेडिएंट होता है माल्टोडेक्सट्रिन और शुगर्स। ये जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है ये हमारी बॉडी में काम कैसे करता है, जब हम मास गेनर लेते हैं तो उसमें सिंपली क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है 80 से 90%। तो ये हमारी बॉडी में जाकर ग्लूकोज में बदल जाता है, जो कि हमें एनर्जी देने के काम आता है। बाकी का बचा हुआ ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है, और यही ग्लाइकोजन बाद में जाकर ट्राइग्लिसराइड बन जाता है और इवेंचुअली ये फैट में टर्न हो जाता है, फैटी एसिड में बदल जाता है। यानी कि जो आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं ये आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज को बढ़ाता है, फैट में बदल जाता है। यानी कि आपकी मसल्स नहीं बनाता है, ये आपको मोटा करता है। जैसा कि मैंने आपसे भी बताया कि जो मास गेनर होगा ये आपका फैट परसेंटेज ही बढ़ाएगा, आपको मोटा ही करेगा। तो यहाँ पर दो ऑपोजिट स्टेटमेंट निकल कर सामने आती है, जो ये सो कोल्ड जो फिटनेस एक्सपर्ट हैं वो देते हैं। एक तरफ ये तो ये कहते हैं कि हमें घर का खाना नहीं खाना चाहिए, दाल रोटी खाकर बॉडी नहीं बनानी है, इससे हमें प्रोटीन कम मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिलेगा, जिससे कि हम मोटे हो जाएंगे और कंडीशनिंग नहीं आएगी बॉडी में। और वहीं दूसरी तरफ ये इस तरफ जो मास गेनर हैं ऐसे सप्लीमेंट लेने के लिए बोलते हैं जो हमारी बॉडी में फैट परसेंटेज ही बढ़ाएंगे और उनका कुछ काम नहीं है। अब इससे जो मेन नुकसान है, पहली तो बात पैसे का ही नुकसान है। हम बॉडी बनाने के लिए सप्लीमेंट खरीदते हैं तो हमें उसमें क्या मिलना चाहिए, प्रोटीन, लेकिन हम पैसे प्रोटीन के देते हैं, मिलता है हमें क्या, कार्बोहाइड्रेट। जबकि उससे अच्छा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आपकी डाइट में पहले से है, जैसे कि आप दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट के तो सोर्स हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट इसे मिलता है वो सिंपल शुगर वाला कार्बोहाइड्रेट, जो आपका बस फैट ही बढ़ाता है, आपको मोटा ही करता है। पहले आप इसे खाकर मोटा हो जाते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि मेरी तो कटिंग नहीं दिख रही, कंडीशनिंग नहीं आ रही, और उसे दूर करने के लिए फिर आप क्या कहते हैं, स्टेरॉइड लेते हैं या फिर फैट बर्नर्स लेते हैं, यानी कि डबल नुकसान। इसके अलावा जो ये मास गेनर होते हैं, जो उनकी रिकमेंडेड होती हैं, वो लगभग 2, 3 या 6 स्कूप तक होती हैं, यानी कि ये 10-15 दिन में ख़त्म हो जाएंगे, तो इतनी जल्दी भी ख़त्म हो जाते हैं। वही जो आपका जो वे प्रोटीन होगा उससे काफ़ी लंबा चलता है। दूसरा नुकसान होता है वो होता है हेल्थ का। इससे हमें इतनी ज़्यादा कैलोरी मिल जाती है कि हमारा मोटापा तो बढ़ता ही है, साथ में इतनी ज़्यादा मात्रा में सिंपल कार्ब लेना इतना सारा, वो हमारे डाइजेशन में भी प्रॉब्लम करता है, हमें कब्ज कर देता है और दूसरे सारे हेल्थ इशूज़ भी कर देता है। इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट इसका यूज़ होता है वो होता है माल्टोडेक्सट्रिन। ये माल्टोडेक्सट्रिन हमारी बॉडी में शुगर की तरह ही काम करता है, इसलिए उसके और भी दूसरे सारे हेल्थ डिसएडवांटेजेस हैं। ये जो हेल्थ के नुकसान हैं ये उनसे हैं जो अच्छे ब्रांड के हम मास गेनर यूज़ करते हैं। कई बार कुछ जिम ट्रेनर्स ऐसे ब्रांड भी आपको रेकमेंड कर देते हैं जो 700-800 रुपए का होता है, जैसे बोलते हैं कि डब्बा ले लिया, उस डब्बे में पता नहीं किस प्रकार के सब्सटेंट मिला के रखते हैं, उसमें स्टेरॉइड मिलाते हैं या क्या चीज़ मिलाते हैं। उसे लेने के बाद आपका जो फैट परसेंटेज है तेज़ी से बढ़ेगा, आपकी बॉडी में ब्लोटिंग हो जाएगी, आपका शरीर एकदम से बड़ा बड़ा दिखेगा, मसल्स बड़ी दिखेंगी, आपका पेट बाहर निकल जाएंगे, आप एकदम से मैसिव हो जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, उसके बहुत सारे और भी दूसरे मेजर साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि वो आपकी किडनी पर असर करेंगे। मैंने देखा है कि कुछ लोगों ने वो मास गेनर खाया उसके बाद उनके यूरिन में भी ब्लड आने की समस्या तक हो जाती है, तो इतने भयंकर उनके डिसएडवांटेजेस होते हैं। अब यहाँ पर बात ये आती है कि जब इनके इतने सारे डिसएडवांटेजेस हैं तो उन्हें लेते क्यों हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो आज की युवा पीढ़ी है उसमें पेशेंस की कमी करना। जब हम जिम जाते हैं या बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो उसमें बहुत लंबा टाइम लगता है, कई बार सालों तक लग जाता है, लेकिन जो यंग
यंगस्टर होते हैं तो उनके पास इतना पेशेंस नहीं होता, उन्हें सब कुछ जल्दी चाहिए, और इसका फ़ायदा उठाते हैं ऐसे जिम ट्रेनर्स और सो कॉल्ड फिटनेस एक्सपर्ट्स जो उन्हें इस तरह के सप्लीमेंट रिकमेंड करते हैं। आप इस तरह के मास गेनर लेते हैं तो उससे क्या होगा, आपका जो बॉडी होगी आपको एकदम से बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई देगी। जैसे आपका आपको लगेगा कि आपका बाइसेप्स का साइज़ बढ़ गया, आपकी पूरी ओवरऑल बॉडी का साइज़ बढ़ गया, आपको कपड़े टाइट आने लगे। लेकिन ये होता किस कारण से है, एक तो आपकी बॉडी में ब्लोटिंग हो गई, एक दूसरा आप मोटे हो रहे हैं, लेकिन आप इन बातों को समझ नहीं पाते और जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है उससे आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। यही कारण है कि इस तरह के जो बेकार सप्लीमेंट हैं वो भी यूज़ किए जाते हैं। तो कंक्लूजन यही है, अगर आप बॉडी बनाना चाहते हैं तो आप कोई भी अच्छे ब्रांड का वे प्रोटीन ले लें, उससे आपका फ़ायदा होगा, आपके पैसे वेस्ट नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर आपको जो चाहिए प्रोटीन, आप प्रोटीन के लिए पे करोगे लेकिन मिलेगा आपको कार्बोहाइड्रेट जो आपको मोटा करेगा। अगर आपको मोटा ही होना है, मतलब कुछ केसेस हो सकते हैं, जैसे एक्सट्रीम एक्टोमोर्फ का केस है जहाँ पर आपको लगता है कि थोड़ी बहुत बॉडी भी बन जाए और साथ में थोड़ा फैट परसेंटेज भी बढ़ जाए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जो घर का खाना है उसे ज़्यादा मात्रा में खाएं, कैलरी सरप्लस पर रहें, अपने आप आपका वेट बढ़ जाएगा। अगर आपको किसी तरीके का शेक लेना है तो उसमें आप कर सकते हैं जो फुल क्रीम दूध होता है वो दूध लीजिए, उसमें मलाई भी आप ऐड कर सकते हैं बाहर से, उसमें 2-3 केले डाल दीजिए, खजूर वगैरह डाल दीजिए, उसे शेक करके उसमें ऊपर से ड्राई फ्रूट्स ऐड करके ले लीजिए, वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। उसमें और भी दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे, इस जो सिंपल कार्ब होता है माल्टोडेक्सट्रिन खाने से वो अच्छा है। बाकी मैंने क्लियर कर दिया है, अगर आपको बॉडी बनानी है तो आप उसके लिए मास गेनर के बजाय वे प्रोटीन खरीदें। अगर वे प्रोटीन से रिलेटेड आपको कुछ डाउट हैं तो आप ये जो वीडियो दिखाई दे रही है इस पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। उसमें आपको प्रोटीन कितने टाइप के होते हैं, आइसोलेट कौन सा है, कॉन्सेंट्रेट कौन सा है, कहाँ से बनता है, किस तरह इसका फिल्ट्रेशन किया जाता है, प्रोटीन से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था, जल्द ही मुलाकात होगी ऐसे ही टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।